नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए, ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह
अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी,
जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर
और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र, क्षेत्रपाल, तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र, क्षेत्रपाल, तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी
कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और ये 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ
मिलकर पठ्य कथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्य कथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्य कथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्य कथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है।
उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र, क्षेत्रपाल, तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र, क्षेत्रपाल, तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी
भी है और वाकई मूवी हैं काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी हैं काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग
चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस
और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र खेल क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पाठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पाठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र खेल क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पाठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पाठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की
हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं
तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेत्रपाल, तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेत्रपाल, तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त
फिल्म है जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है, और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है, और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र खेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है, और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है, और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और
फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रही है। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह
अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र, क्षेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र, क्षेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी।
जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र खेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर
और शरद केलकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेल पात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी
कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र खेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र खेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ
मिलकर पठ्य कथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्य कथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र क्षेत्रपाल तासा भामरा के साथ मिलकर पठ्य कथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्य कथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म
कंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा अडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है
और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र, क्षेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र, क्षेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें
इसमें दिखाई गई है और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, स्पर्श खेलपात्र खेत्रपाल ताशा भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे कि राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रीमेक, इसमें अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी ने, जबकि आयशा रज्जा मिश्रा, राजेश शर्मा, अश्विनी कालेसकर और शरद केलेकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर व्यक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत फिल्म का निर्माण भी किया। तुषार कपूर की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस
और सबीना एंटरटेनमेंट के साथ लॉरेंस ने फरहाद सामजी, अस्पर्श खेल पात्र खेल क्षेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकर पठ्यकथा लिखी, जिसमें सामजी ने पठ्यकथा और संवादों को हिंदी संस्करण में डाला। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुई थी। इसका भाषा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा ज़रूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी और काफ़ी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी काफ़ी जानदार शानदार ज़बरदस्त रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है।